आसन खड़ा होकर किया जाता है। जानू भालासन खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे और दोनों हाथों को पहले जमीन पर स्पर्श कराएंगे, उसके बाद फिर सर को टांग से सटा देंगे, पैरों से सर को सटा दिया जाता है। तो यह जानू भालासन मोटापा को दूर करता है, यह कमर के दर्द को दूर करता है, यह मस्तिष्क में रक्त संचार बहुत ही अच्छा करता है। तो मस्तिष्क संबंधित कोई भी बीमारी हो, चाहे चक्कर आता हो, चाहे नींद नहीं आती हो, चाहे ब्रेन में ट्यूमर हो गया हो, चाहे मिर्गी हो गई हो, उन सब के लिए ही यह बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद हम लोग चक्रासन करेंगे। इसके लिए जमीन पर लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों को उल्टा करके जमीन को पकड़ लेंगे। फिर पूरे शरीर को हम लोग हाथों और पैरों को ऊपर उठा देते हैं। देखिए ये उठाई है। और इस आसन को करने के लिए हमें बहुत थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया आसन है। इस आसन को करने से आपके पीठ का दर्द, कमर का दर्द, हाथों का दर्द, कंधों का दर्द यह दूर होता है, यह आयु की वृद्धि करता है। आयु के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है। ऐसे इस आसन को करने से आप कमर कभी भी कितने भी टूटे हो जाएंगे, आपकी कमर नहीं झुकेगी। सर के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा आसन है यह। अब इसके बाद हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। घुटने के बल पर खड़े हो जाएंगे, फिर दोनों पैरों के टखनों को हम लोग हाथ से पकड़ लेते हैं, सिर को झुका लेते हैं और सीने को आगे की ओर कर देते हैं। यह आसन जिनको पीठ दर्द की शिकायत होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जिन्हें स्पोंडाइलाइटिस की शिकायत है या साइनस की शिकायत है या चक्कर की शिकायत है या ब्रेन ट्यूमर है उनके लिए बहुत अच्छा है। कमर दर्द जिनको रहता है उनके लिए तो वरदान है। जिनको पथरी वगैरह की शिकायत है गुर्दे में उनके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी आसन है। यौन रोग संबंधित भी यह बहुत लाभ पहुँचाता है, विशेषकर जिनको हर्निया है, हाइड्रोसिल है, उनके लिए बहुत अच्छा है। महिलाओं में मासिक अनियमितता है उसमें भी यह बहुत फायदा पहुँचाता है। अब इसके बाद हम लोग धनुरासन करेंगे। यानी धनुष की तरह अपनी पोजिशन बनानी है, पेट के बल पर लेट जाते हैं, पेट के और पैरों से हाथों को खींचेंगे। ये ध्यान रहे, पैर से हाथ को खींचना है, हाथ से पैर को नहीं खींचना है। अधिकतर लोग हाथ से पैर को खींचने की कोशिश करते हैं, पैर से खींचना है हाथों को। और यह भी हम 1 से 3 मिनट तक रहते हैं। धनुरासन का फायदा यह है कि पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द में यह लाभ पहुँचाता है और हृदय रोग संबंधित और फेफड़े संबंधित लोगों के लिए यह बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हम लोग 16वां आसन करने जा रहे हैं, पार्श्व चालनासन। इसके लिए हम लोग लेट जाएंगे और लेट करके दोनों हाथों को फैला देते हैं सीध में और दोनों पैरों को जोड़े रखते हैं और दोनों पैरों को उठा लेते हैं। उठा करके हाथों से स्पर्श कराएंगे और दूसरा हाथ जो है उठना नहीं चाहिए। दोनों हाथों पर बारी बारी से दोनों पैरों को सटाएंगे, ऐसा 5-5 बार कम से कम करते हैं। इस पार्श्व चालनासन का फायदा यह है कि इस आसन करने से आपके कमर में काफ़ी लोच आती है और आपके गुर्दे के लिए और यकृत के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। कंधे के लिए बहुत बढ़िया है और जिनको भूख नहीं लगती है या जिन्हें भोजन पचाने में दिक्कत होती है या गैस काफ़ी बनता है उनके लिए यह बहुत ही अच्छा है। यह भी आयु वृद्धि करने वाला आसन है। इसके बाद हम लोग 17वें आसन पर चलते हैं जिसमें जिसका नाम है प्रस्थ पादहस्त।